हेलो, जैसा कि दोस्तों ये हमारे पास आज प्रेस आया हुआ है जो कि कोरियो का है, इसको ओपन कैसे करते हैं, इसकी रिपेयरिंग कैसे करते हैं, इसकी पूरी जानकारी आपको मैं देना चाहूँगा। क्योंकि ये प्रेस एक अजीब तरीके का है, इसमें क्या है कि पानी डालो, उसके बाद में फिर पानी इधर से हल्का भाप बन के निकलता है और जिससे आपका इस्त्री अच्छे से हो जाता है, जो कॉटन होता है वो भी अच्छे से हो जाता है। तो इसको ओपन करने में बहुत लोग परेशान होते हैं, इसमें कोई पेच नहीं दिख रहा है कहीं पे भी, आप देखोगे ये साइड में सिर्फ एक पेच दिख रहा है, जिससे कि आप खोलने में बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। मेरे पास जब पहली बार आया था रिपेयर करने के लिए तो मैं भी बहुत परेशान हुआ था। और अगर नए इलेक्ट्रीशियन हैं या आपने इसको एक बार ओपन नहीं किया है और रिपेयर नहीं किया है तो एक बार ये जानकारी ज़रूर देंगे तो कि इसको रिपेयर कैसे करते हैं और कैसे ही इसको ओपन करते हैं, तो इसकी जानकारी आपको पूरी मिल जाएगी। इसको इसमें कैसे ओपन करते हैं और अगर आप नहीं ओपन किए हैं तो प्लीज़ कोई भी जानकारी ले लीजिएगा, उसके बाद ही करिएगा, नहीं तो आपको प्रॉब्लम हो सकती है और प्रेस ख़राब हो जाएगा। तो फिर आप एक बार देख लीजिए पूरा। तो दोस्तों जैसे कि मैं बता देना चाहूँगा, अगर इसको ओपन करने से सबसे पहले क्या ओपन करेंगे, कैसे करेंगे, इसकी पूरी जानकारी आपको इसमें मिल जाएगी। ये आप देख रहे होंगे ये लगा हुआ है जिससे आप इसके टेम्परेचर को मेंटेन करते हैं कि कितने टेम्परेचर पे ये कट हो, क्या सिल्क पे करना है कि नायलॉन पे करना है, कॉटन पे करना है कि कुछ किसी पे भी अगर आपको करना है तो ये उस ये लगा हुआ है। तो इसको निकालते हैं, कैसे ये ओपन करेंगे पूरी जानकारी अभी मिल जाएगी। सबसे पहले क्या करते हैं दोस्तों, इसको निकाल लेते हैं। इसको निकालने के बाद एक ध्यान देंगे, अच्छी सी बात है कि इसमें पिन लगी होती है, अब वो गिरनी नहीं चाहिए, गिर जाएगी तो आपका प्रेस फिर अच्छे से वर्क नहीं करेगा, फिर आप ढूंढोगे, परेशान होंगे। मैं इसको निकालता हूँ, निकाल के आपको दिखा देता हूँ कि वो कैसे लगा होता है, बिल्कुल लाइव है, आप देख लीजिए कैसे भी, और आपको पिन दिखा दें। ये हमारा निकल गया है, ये आप देख पा रहे होंगे, और ये पिन है, ये पिन आप अगर देख पा रहे होंगे तो ये पिन हम दिखा देते हैं। ये बहुत ही छोटी सी है, ये खोने का बहुत ही चांस होता है कि खो जाती है अधिकतर, ये आप देख पा रहे होंगे हमारे समझ से, ये छोटी सी बिल्कुल पिन है जो कि हाथ पे रखी हुई है, ये खो जाती है अधिकतर और फिर मिलती नहीं है, और ढूंढने से भी नहीं मिलती, मार्केट में बहुत जल्दी नहीं मिल पाती है आसानी से, इसलिए इसको हम अच्छे से रख लेते हैं। इसको हम इस साइड में रख देते हैं और ये भी अपने साइड में रख देते हैं, और निकालते हुए इसको बहुत सावधानी से निकालना चाहिए ताकि टूटे ना, इसमें ये पिंस लगी होती हैं, टूट जाती हैं तो फिर दिक्कत होती है। इसके बाद क्या करते हैं दोस्तों, इसको ओपन कर लेते हैं। इसको ओपन करने के लिए ये पीछे बैग से आप देख रहे होंगे तो बैग में ये नेट लगा हुआ है, सबसे पहले इसको ओपन कर लेते हैं। जैसा कि हमने इसको ओपन कर लिया है, ओपन करने के बाद में ये ऐसे निकल आता है बाहर, ये नेट है, ये मैं अलग रख लेता हूँ, ये खुल गया है। खोलने के बाद में अब ये ओपन करना है मुझे, तो ओपन कैसे करेंगे, ये जो आपको दिख रहा है इसको प्रेस करके पहले निकाल लेना है। तो कैसे निकालोगे आप ये देख लेते हैं। सबसे पहले इसको साइड में आराम से हल्का से करेंगे और ये ऐसे बाहर आ जाएगा, ये निकल आता है, और इसके बाद में साइड से ये भी ऐसे ही बाहर कर लेते हैं। ये हमने निकाल लिया है, और निकालने के बाद ये दोनों जब आपको निकल जाएगा तो निकालने के बाद यहाँ पे आपको एक पेच दिखेगा, इस पेच को ओपन कर लेना है। बिल्कुल आसानी से रख के ओपन कर लेना है, कोई भी चीज़ गिरनी नहीं चाहिए, खोनी नहीं चाहिए, अगर खो जाती है तो इससे प्रॉब्लम होता है। ये पेच निकाल लेना है ऐसे ही और रख लेना है अलग। खो जाती है तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो कि मिलने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती हैं। और इधर से देखेंगे ये पिनअप हुआ है, तो ये हल्का से प्रेस करेंगे और ऐसे ये बाहर आ जाएगा, ये आप देख रहे होंगे निकल आया है, और ये निकल आया। लेकिन अभी यहाँ पे एक पेच लगा हुआ है, ये बीच में देख रहे होंगे, तो ये पेज खोल लेना है, जो कि चूड़ी उसकी ख़त्म हो गई है, तो आसानी से खुल जाएगा, निकल भी आएगा ये। अब फिर ये जो है, ये जो निकला हुआ है ये देख पा रहे होंगे कहाँ लगा था, ये इस जगह पे लगा हुआ था, इस जगह पे। तो इसका आप ध्यान रखेंगे कौन सी चीज़ें कहाँ पे लगी हुई थी। ये देखिए इसमें एक स्प्रिंग और ये लगा हुआ है, ये क्या करता है, वाटर को आप नीचे भेजता है, यहाँ से निकलने के लिए, यहाँ से वाष्प बन के
पानी निकलता है, जिससे कि आपका कपड़ा जो इस्त्री है आसानी से हो जाता है, जो कॉटन होता है उससे उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। जैसे पानी डालते हैं बाहर से तो वो डालने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, ये वर्क करता है आपका। अब इसको कैसे ओपन करेंगे, आगे ओपन करने के लिए यहाँ पे आपको एक नट दिख रहा होगा, इस नेट को ओपन करेंगे। लेकिन नेट को ओपन करने के बाद ध्यान देंगे कि पीछे एक पत्थर लगा होता है, उस पत्थर को खोने नहीं देना है। अगर वो खो जाएगा तो क्या है कि ये हीट जब होता है तो ये हमारी प्लास्टिक में हीट आ जाएगी, और जब प्लास्टिक में हीट आ जाएगी तो हमारी प्लास्टिक सारी की सारी गल जाएगी। आप सोच रहे होंगे कि ये हीट होता है उसके बाद भी ये हमारी प्लास्टिक क्यों नहीं गलती है, तो ये चीज़ आपको दिखाते हैं कि कैसे नहीं गलती है। इसको ओपन करने के बाद ध्यान रखेंगे कि वो हमारा गिरने ना पाए। मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि वो कैसे होता है। ये ओपन कर लेते हैं नॉर्मल से आराम से, और इसको ऐसे निकाल लेते हैं। ये पेज हमने निकाल लिया, अलग रख लेते हैं अच्छे से, और उसके बाद ये हमारा ओपन हो गया। ओपन तो हो गया, लेकिन अब देखेंगे पत्थर जो है वो गिरने ना पाए, उसको निकाल लेते हैं। ये तीन पत्थर हमको मिलेंगे, जो कि ये मिल गया। ये सबसे पहले जो लगा हुआ था आगे, और दो और लगे हुए थे पीछे, रखा हुआ था वो, तो ये हम अलग रख लेते हैं। ये खोना नहीं चाहिए, आप देख लें ऐसे होता है ये। आप हीटर की प्लेट देखे होंगे, वो जो बनी होती है पत्थर से, वही ये भी है, चीनी मिट्टी का बना होता है। तो इसको अलग रख लेना, गिरेगा ना नहीं टूट भी जाता है ये, तो इसलिए अच्छे से रख लेते हैं। फिर क्या करते हैं, ये प्रेस को ओपन हमारा हो गया है, और इसको यहाँ पे हल्का से पिन होता है, तो इसको हल्का से बैक साइड में प्रेस करेंगे तो ये बाहर आ जाए, निकल जाएगा। अब यहाँ पे हमको फिलामेंट चेंज करना है या थर्मोस्टेट चेंज करना है, ये सारी चीज़ें मैं अपने आप से चेंज कर सकता हूँ, कोई भी प्रॉब्लम है तो आप चेंज कर सकते हो। मैंने इसको चेक कर लिया था, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन अब क्लाइंट लेके आया था तो इसमें से थर्मोस्टेट जो है एडजस्ट नहीं हो रहा था सही से, तो इसे हमने सही कर लिया है, इसे हमने सही कर लिया। ये यहाँ से आप देख पा रहे होंगे कैसे ये जब नॉर्मल पे रहता था तो वो कनेक्ट नहीं होता था, वो डिसकनेक्ट रहता था। इसलिए अगर आपको प्रॉब्लम होती है, आप थर्मोस्टेट नहीं बना पा रहे हैं, थर्मोस्टेट नहीं सही कर पा रहे हैं, तो आप थर्मोस्टेट को चेंज कर दीजिए और आपका प्रेस, आपका आयरन लगातार प्रॉपर अच्छे से वर्क करने लगेगा। ये कोरियो का प्रेस था, ऐसे ओपन करते हैं। अगर मेरे पास दूसरा कोई प्रेस आता है तो मैं उसको ओपन करके दिखा दूंगा। ये आपके पास कोई प्रेस है और आप ओपन नहीं कर पा रहे हैं, कैसी कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट बॉक्स में मैसेज कीजिएगा, मैं उसको ओपन करके दिखा दूंगा। मेरे पास कोई रिक्वायरमेंट आएगी तो मैं ज़रूर ओपन करके दिखाऊंगा, चाहे मार्केट से परचेज करके दिखाऊँ आपको। तो इसको फिर से मैं वैसे ही फिट कर देता हूँ, और फिट करते समय एक चीज़ ध्यान रखेंगे पूरा कि हम ये ज़रूर लगा देंगे, अगर नहीं लगाते हैं जिससे बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। और आप इस कोई भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट रिपेयर करने के बाद क्या है, उसमें ये चीज़ देख लेंगे कि कहीं सप्लाई तो नहीं आ रही, कहीं करंट लीकेज तो नहीं है, जिससे कि क्लाइंट को या फिर यूज़ जो कर रहा है उस इक्विपमेंट को, उसको शॉर्ट सर्किट ना हो या उसको करंट ना लगे। इसलिए चेक कर लेंगे कि उसमें फेस तो नहीं आ रहा, करंट तो नहीं आ रहा है। अगर हमें ये ऊपर वाला ओपन करना है तो इसको ओपन करने के लिए हम ओपन कर सकते हैं, यहाँ पे एक नेट लगा हुआ है उसको ओपन कर लेते हैं, और जिससे निकल जाएगा। लेकिन ओपन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है क्योंकि वो चिपका हुआ होता है, और उससे प्रॉब्लम जब लीकेज की कंडीशन आती है तब इसको हम ओपन करते हैं। ये चिपका हुआ है, देख लीजिए ये अच्छे से, ये देखो ये साइड से पूरा चिपका हुआ है, और इसको निकालने के लिए फिर वो नेट खोल के ही निकालेंगे, और लीकेज की कंडीशन में ही निकाला जाता है, नहीं निकाला नहीं जाता है। फिर पीछे देखो दो पेच लगे हुए हैं, मैं इसको खोल लेता हूँ आपको दिखा देता हूँ, और निकालने की कोई ज़रूरत नहीं क्योंकि इसमें लीकेज नहीं है। जब लीकेज होगा तो आप खोल लेना, देख लेते हैं। ये एक पेच ये साइड में लगा है, आप देख पा रहे होंगे, मैं खोल लेता हूँ इसको आसानी से जल्दी से। मेरा एक खोल गया है पेच, और दूसरा मैं खोल लेता हूँ जल्दी से, दूसरा भी खुलने वाला है, और बस दूसरा भी खुल गया है हमारा। और क्या कर लेते हैं, इसको तभी खोलते हैं जब लीकेज कंडीशन होती है, नहीं तो इसको ओपन नहीं करते हैं। अगर ओपन करना चाहें तो ओपन भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे आसानी से ओपन हो जाएगा, लेकिन दिक्कत है। अगर इसको हमको निकालना है तो फिर ये आसानी से निकाल सकते हैं और इसको रिपेयर कर सकते हैं अगर कुछ भी प्रॉब्लम है तो। जैसे कि हम देख रहे हो, या अभी इसको ड्राइवर से यानी कि टेस्टर से ऐसे नीचे से ऊपर करेंगे, ये निकल गया हमारा, देख लीजिए आप। और ऐसे ही इसी तरीके से दूसरा भी निकाल सकते हैं, और इसको दोबारा निकाल के दिखा दे रहे हैं, ये लगा के, ये देखो ये निकल, इसको अगर निकालना है तो इसको भी ऐसे ही हल्का से प्रेस करेंगे, ये बाहर निकल आया है, ये भी निकल जाता है। लेकिन इसको लगा देना है, इससे कोई मतलब नहीं है हमारा,
ये पूरा बाहर करना है तो ये पूरा बाहर हो जाता है। यहाँ से ऐसे ऊपर कर देंगे, ये हमारा बाहर हो गया है, ये हमारा निकल गया है। और इसके बाद हम यहाँ से भी इसको खींच के निकाल लेते हैं, ये टूट गया है क्योंकि ये हमारा पाइप कटी हुई थी, पाइप सही नहीं थी बिल्कुल, और जिसके लिए हमारा वाटर नीचे नहीं जा रहा था, नीचे नहीं जाएगा आसानी से, तो इसलिए हमको ये सही करना है। तो ये पाइप अगर मार्केट में मिल जाती है तो ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे शायद ग्लूकोज में जो पाइप आती है, ग्लूकोज जो चढ़ाते हैं डॉक्टर लोग, वो पाइप भी यहाँ पे काम कर जाएगी। तो ठीक है, इतना ये थी जानकारी अभी तक की। और आगे ये अगर आपको ओपन करना है, ये कैसे ओपन करते हैं मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ। ओपन करके मैं आपको दिखा दूँ कि ये जो है इससे जो है पानी अंदर की ओर जाता है, ये जो है इससे पानी अंदर की ओर जाता है। अगर बात करें तो अंदर की ओर कहाँ जाता है, ये इससे होते हुए इस पाइप के ज़रिए यहाँ से निकल के यहाँ पे निकलता है और यहाँ से इसमें आता है और पीछे पूरा ये आप जो देखें वेपर फॉर्म में पानी निकल आता है, ठीक है। और ये जब प्रेस करते हैं तो इस प्रेस करने से यहाँ से पानी फुहारे के रूप में आगे गिरता है। तो क्या है, ये यहाँ से निकलता है, लेकिन ये पाइप हमारी टूट गई तो इसको बनाने के लिए सबसे पहले मैं क्या करना पड़ेगा, हमें ये हमें पाइप निकाल के और यहाँ पे दूसरी पाइप को ही लगानी होगी। और मेरे पास प्रेजेंट टाइम में पाइप है नहीं, तो क्या है कि इसको किसी जुगाड़ से और किसी टेक्निक से ही करना संभव है। ये हमने निकाल लिया है और इसके जगह पे मुझे दूसरी पाइप लगानी होगी, और दूसरी पाइप लगानी होगी। मैं ये पाइप ट्राई करता हूँ यहाँ पे लगा के, अगर लग जाती है ये पाइप लग तो जा रही है, लेकिन बहुत ढीली हो रही है, और ढीली रहेगी तो पानी बाहर की साइड में जाएगा और बाहर की साइड में जाएगा तो जिससे क्या है कि करंट सप्लाई बाहर निकलने के लिए प्रॉब्लम होगी। मैं टाइट करने के लिए कोशिश कर रहा हूँ, और उस वक्त अगर टाइट नहीं होता है तो मैं वही लगा के और लगाने के बाद मैं मोबाइल चेक कर लूँगा कि पानी बाहर तो नहीं आ रहा है। मेरा ये नहीं लग रहा है तो मैं वही पाइप लगा के इस साइड की, क्योंकि इस साइड हल्का से होल जो है वो उससे बड़ा है, रेडियस उसकी थोड़ी सी ज़्यादा है। जैसा कि हमने लगा लिया है, अब लगाने के बाद क्या करते हैं, यहाँ पे भी लगा लेते हैं। यहाँ पे लगाने के लिए ये ऐसे लगा लिया है। अब ये पाइप मुझे जो ज़रूरत थी नीचे लगाने के लिए, वो नीचे मैं ये पाइप लगा ले रहा हूँ जो कि हमने लगा लिया है। अब लगाने के बाद क्या करते हैं, इसको वैसे ही फिट कर देते हैं। ये पाइप अगर बहुत ज़्यादा बड़ी लग रही है तो आप इसको काट के छोटी कर सकते हैं। मुझे ज़्यादा बड़ी लग रही है, यहाँ तक निकली हुई है, इसको क्या करता हूँ मैं काट के थोड़ी सी छोटी कर लेता हूँ। इसको काटने के लिए आप कुछ भी यूज़ कर सकते हो, मैं कुछ लेके आता हूँ, मेरे पास ये कटर है, मैं इससे काट लेता हूँ पाइप को, छोटी कर लिया है। और छोटी करने के बाद क्या करते हैं, इसमें लगा लेते हैं, ये हमने लगा लिया है। और लगाने के बाद क्या करते हैं,
नीचे वाली भी चेंज कर लेते हैं जो बची हुई है, ये लगा लेते हैं। नीचे हमने लगा दिया है और इसको फिर उसी के अंदर डाल देते हैं। स्क्रू ड्राइवर से पिन कर लेते हैं। ये दबा देते हैं अच्छे से। ये हमारा लग गया है। अब लगने के बाद कुछ नहीं करना है। ये हमारा वाटर की प्रॉब्लम सही हो गई है। अब इसको फिर वापस वैसे ही फिट करना है। यहाँ पे दो पेंच लगता है जो कि किसी ने नहीं लगाया था, किसी ने ओपन किया था, इसको नहीं बना पाया था, क्योंकि हमारे पास आया था वापस। तो यहाँ पे हम पेंच दो हमारे पास पहले से रखे हैं और मैं अपने पास से लगा लेता हूँ इसमें। उसके बाद मैं इसको टाइट कर लेता हूँ अच्छे से। तो देखा जाए कि आपके पास सामान अगर नहीं है, उसके बाद भी अगर प्रॉब्लम होती है, उस सामान नहीं है, फिर भी आप बना सकते हो। बस थोड़े से दिमाग लगाने की ज़रूरत है, आप कर सकते हो, बिल्कुल आसान है। अच्छे से ये बैठाने के लिए, ये बंद करने के लिए सबसे पहले आपको बताया था, जो आपने ये खोला था, ये निकाला था, इसको लगा लेना है। इसको लगाने के लिए सबसे पहले ये यहाँ पर रखा हुआ था और एक छोटा वाला यहाँ पर रखा हुआ था, एक बड़ा वाला यहाँ पर रखा हुआ था। तो आप ऐसे रख के अगर बंद करोगे तो कभी नहीं बंद होगा। इसको ध्यान देना है, अच्छे से, बिल्कुल अच्छे से बैठा सकते हो। ये बाहर रख लिया हमने। इसको ऐसे पलट देना है और पलटने के बाद आपको यहाँ एक पॉइंट दिख रहा है, एक यहाँ पॉइंट दिख रहा है, दिख रहा होगा। अब क्या करना है, छोटे वाले को यहाँ बैठा देना है, इस छोटे वाले को यहाँ बैठा देना है, इस बड़े वाले को यहाँ रख देना है। और ये जो नेट हमने खोला था, इसको बाहर से ये यहाँ पे जो है आपको दिखा देते हैं, पहले हटा के ये यहाँ पे है ना, यहाँ पे से जहाँ से खोला था हमने, इस होल में पहले इसको डाल देते हैं। ये डाल दिया, ये हमारा इधर निकला है। इसको पकड़ लेते हैं और पकड़ने के बाद पीछे हाथ लगा लेते हैं। हाथ लगा लिया हमने, इस प्लेट को ऊपर कर दो और उसके बाद में क्या करना है, इसको ऐसे रख दिया, ये बड़े वाले को इसमें डाल दिया और इस छोटे वाले को यहाँ पर डाल दिया। अब डालने के बाद क्या करते हैं, इसको जैसे हमने निकाला था उसको वैसे ही फिट करना है। फिर से वापस ऐसे लगा दिया। ये आप देखोगे थर्मोस्टेट वाला फंस रहा है, थर्मोस्टेट वाला जो फंस रहा है उसको सही से ऐसे एडजस्ट करना है एकदम ज़ीरो पे, और ज़ीरो पे एडजस्ट करके उसको लगाओगे तो आसानी से लग जाएगा। ये लग तो गया लेकिन हमारा जो पत्थर था वो निकल गया, तो उसको फिर से लगाना है आपको। आपको पत्थर को फिर से लगाना है। ये है हमारा और ये रख लिया, और दूसरा वाला नीचे गिर गया है उसको भी रख लिया। और रखने के बाद फिर से लगाना है, आराम से लगाना है। झिट्टा देता है वो हल्का से, जब बैठता है तो वो गिर जाता है हमारा पत्थर। तो ये बैठ गया है, जब अंदर बैठ जाए उसके बाद फिर पत्थर लगा लो। उसी जगह पे लगाना है, लगा लिया है। लगाने के बाद फिर क्या करना है, बैठा देना है। अब बैठा गया, इसे पकड़े रहो दबा के और उसके बाद इसको पेच को टाइट कर दो। ये हमने पेच को कर दिया टाइट, अच्छे से टाइट कर देना है। इतना भी ज़्यादा ना कर देना कि चूड़ी फेल हो जाए उसकी। अब क्या करना है, फिर इसको लगा के देख लो, आवाज़ नहीं आ रही, ये पकड़ लो, ये आवाज़ नहीं आ रही, पत्थर हमारा लगा हुआ है अच्छे से। ये हमारा फिर पिन निकल गया। इसको ऐसे फिट कर देते हैं, इसको पकड़ के रखना है और ये लगा के रखना है। वो बार बार गिर जा रहा है, कुछ नहीं करना है, बिल्कुल आसान है। ये ऐसे पहले ये हमने बताया था आपको, पहले इसको लगा लेना है और इसके पहले ये लगाना है। ये आपका था यहाँ पे। कोई भी चीज़ छोड़नी नहीं है आपको, एक एक चीज़ याद करके
लगा देनी है, एक ही चीज़ याद करके लगा देनी है। अगर कोई चीज़ छूट जाती है तो जो कि आपको बाद में प्रॉब्लम करे। यहाँ पे एक वार्सल टाइप का रेड कलर का लगा हुआ है, आप देख रहे होंगे, इसको अच्छे से लगा लेना है, नहीं तो पानी आपका लीक करेगा। ये देखो स्प्रिंग लगी हुई पुश कर रहा है वो, इसको आप देख लो अच्छे से एक बार, ये निकल जा रहा है साइड में, हल्का से कर देंगे तो वो टाइट रहेगा। गलत नहीं बैठाना है, बैठाना आपको सही ही है, थोड़ा टाइम लग जाए कोई दिक्कत नहीं। अब पहले इसको पिन कर लेते हैं, ये हमारा लगा हुआ होना चाहिए। सबसे पहले ये लगाएंगे फव्वारा वाला सामने के लिए, फिर ये बैठा लेंगे, और ये दोनों पिन बैठाने के बाद ये आगे बैठ गया। अब देखो दबा देना है इसको ऐसे ही, दब गया। यहाँ पे नेट जो लगा हुआ है उसको टाइट कर लेना है। यहाँ पे जो नेट हमने खोला था उसको भी टाइट कर लेना है। इसको टाइट कर लेना है, देखो रे पेचिंदा चला जाएगा। यहाँ पे हमने टाइट कर दिया है। टाइट करने के बाद क्या करना है, ये हमने निकाला था ये लगा देना है। ये है, अब किस साइड का कौन सा है ये आप देख लो, ऐसे लगेगा इस तरीके से ये ऐसे घूम जाएगा, ये ऐसे लग जाएगा। तो एक एक करके लगा देते हैं, निकालने में दिक्कत होती है, लगाने में कोई दिक्कत नहीं होती। आप ऐसे लगा के पुश कर रहे हैं, ये पुश हो रहा है, ये भी सही है हमारा, ठीक है। अब क्या करना है, ये हमारा हो गया, ये काम कर रहा है बिल्कुल। अब कुछ नहीं करना है, इसको बंद कर देना है। और इसको बंद करने से पहले आपको एक चीज़ मैं और दिखा, इसको अच्छे से ऐसे बैठा देना है। अगर अच्छे से बैठा नहीं रहेगा तो वो क्लाइंट देखेगा तो फिर उस वो कहेगा कि हमारा अच्छे से बना हुआ नहीं है, वो ऐसा बोलेगा और ये चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। तो ये चीज़ क्या करना है, सबसे पहले ये भी बैठा लेना है, इसको ऐसे करके बैठा देते हैं। अब ये देखो नीचे नीचे पहले ये दिख रहा है, यहाँ पे बैठा लेना है। ये पहले नीचे बैठाना है ऐसे, और ऐसे ऐसे, फिर ऐसे कर देना है। ऐसे करने के बाद इससे पहले आपको दो ये पेंच हमारे बचे हुए हैं, वो कहाँ लगाना है ये तो आपको याद नहीं हुए, हमको भी याद नहीं था। ये यहाँ पे दोनों लगा देना है, अभी यहाँ से हमने ओपन किया था दोनों साइड से पेंच, ये पेंच जो ओपन किया था हमने उसको वैसे ही लगा देना है। इसको भी ऐसे ही लगा देना, और क्या करना है इसको फिर वही लगा देना है। कैसे लगाओगे,
नीचे होल दिख रहा है, इसमें ऐसे नीचे से बैठाना है। ये होल दिख रहा है, यहाँ पिन है दोनों, नीचे पहले बैठा लिया है, अब ये करके ऊपर बैठा देना है। ऊपर कैसे बैठाओगी? ऊपर भी बिल्कुल आसान है। ये बीच में तार फंस रहा हुआ है तो उसको देख लेना है कहाँ पे फंस रहा है, अच्छे से बैठाओगे बैठ जाएगा बिल्कुल आसानी से। ये पेंच बचा हुआ है हमारा, इसको यहाँ पे लगा देते हैं, यहाँ पे लगा के ऐसे बंद कर देते हैं। अब ये तो बंद हो गया हमारा, अभी हमको ये लगाना हुआ है। अब ये लगाने के लिए सबसे पहले हमने बताया था जो पिन है उसको नहीं फेंकनी है, जो कि हमने आपको सबसे पहले दिखाया था ये वाली पिन, इसको लगाना है। कहाँ पे लगाओगे? ये यहाँ पे आपको, आप देख पा रहे होंगे तो ये यहाँ पे लगा हुआ है, ये यहाँ पे हल्का सा दिख रहा है, यहाँ पे लगेगा। ठीक है, तो मैं लगाता हूँ इस पिन को, यहाँ पे लग गया है। ये इतनी ज़्यादा छोटी है कि एक तुरंत खो जाने का डर है। इसको लगा देते हैं, और लगाने के बाद में ये हमारा देख लेना है, ये खांचा कहाँ पे है वहीं पे बैठाना है। ये खांचा हमने देख लिया, वो खांचा देख के बैठा देना है। अगर आप एक टेक्नीशियन हो तब भी बना सकते हो। आवाज़ आ रही है? ये सही है। आपको एक बार दिखा देते हैं, सप्लाई देखिए कि कैसे वर्क करता है। सप्लाई देने के लिए मैं सप्लाई दे देता हूँ। ये सप्लाई दे दिया, ये हमारी रेड कलर की लाइट जल रही है, समर प्रेस ऑन है। ये दोस्तों, हमें आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक एक सब्सक्राइब करके चलना। आपका एक लाइक एक प्यार हमें एक्स्ट्रा मोटिवेट करता है। धन्यवाद दोस्तों।